नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट रेडियो में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का सीरीज के फूल पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को, तो बने रहिए आप मेरे साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेखक ने सीरीज का को कालज या उद्योत या सन्यासी क्यों कहा है, क्यों माना है, या फिर इसका सीरीज की तुलना किससे की गई और क्यों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज को अवधूत अद्भुत अवधूत मानते हैं, क्योंकि सन्यासी की भांति वह सुख दुख की कोई चिंता नहीं करता है। सीरीज कालजे अवधूत की भांति जीवन के अजयता के मंत्र का प्रचार करता है। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है, तब भी कोमल फूलों से लदा लहलाता रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू उसे प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। सीरीज विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील तथा अपनी अजय जिज्ञासा के साथ निष्प्रिय है भाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। मनुष्य को हृदय की कोमलता बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है, तभी वह विपरीत दशाओं का सामना कर पाता है। सीरीज भी भीषण गर्मी की लू को सहन करने के लिए बाहर से कठोर स्वभाव अपनाता है, तभी वह भयंकर गर्मी, लू आदि को सहन कर पाता है। संत कबीरदास कालिदास ने भी समाज को उच्च कोटि का साहित्य दिया, परंतु बाहरी तौर पर वे सदैव कठोर बने रहे हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष भरी जीवन परिस्थितियों में अविचल रह करके जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। या द्विवेदी जी ने लेखक ने कहा है कि सीरीज वास्तव में अवधूत है, वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है, दुख हो या सुख। उसने उसकी हार नहीं मानी, अर्थात दोनों ही स्थितियों में वह निर्लिप्त रहा है। मौसम आया तो खिल गया, वरना नहीं खिला। लेकिन खिलने न खिलने की स्थिति में से सीरीज कभी नहीं डरा। प्रकृति के नियम से वह भली भांति परिचित था, इसलिए चाहे कोलाहल हो या संघर्ष, वह जीने की इच्छा मन में पाले रहता है। अगला प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान, ये देखो वर्चस्व, ये दो मात्राएं नहीं लगी हुई, वर्चस्व और वर्तमान, सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? हाय वह अवधूत कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। आज मनुष्य में आत्मबल का अभाव हो गया है। अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है। सीरीज भी कष्टों के बीच फलता फूलता है, उसका आत्मबल उसे जीने की प्रेरणा देता है। आजकल मनुष्य आत्मबल से हीन होता जा रहा है, वह मानव मूल्यों को त्याग करके हिंसा और असत्य आदि आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियों को अपना रहा है। आज चारों तरफ तनाव का माहौल बन गया है, परंतु गांधी जैसा अवधूत लापता है। अब ताकत का प्रदर्शन ही प्रमुख हो गया है। कवि की मात्रा उस तरफ होनी चाहिए भाई। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक, ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। कवि या साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी जैसी स्थिर प्रज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वह निष्पक्ष और सार्थक काव्य साहित्य रचना कर सकता है। वह निष्पक्ष भाव से ही किसी जाति, लिंग या धर्म या विचारधारा विशेष का परश्रय न दे। जो कुछ समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उसी का चित्रण करे, साथ ही उसमें विदग्ध प्रेमी का
सहृदय भी होना जरूरी है, क्योंकि केवल स्थिर प्रज्ञ होकर कालजयी साहित्य की रचना साहित्य नहीं रचा जा सकता। यदि मन में वियोग की विदग्ध हृदयता हृदय की भावना होगी तो कोमल भाव अपने आप साहित्य में निरूपित होते जाएंगे, इसलिए दोनों स्थितियों का होना अनिवार्य है। सर्वग राशि काल की मार से बचते हुए वही दीर्घ जीवी हो सकता है जिसने वे व्यवहार की जड़ता छोड़कर के नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। लेखक का मानना है कि काल की मार से बचते हुए वह दीर्घ जीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर के नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। समय परिवर्तनशील है, हर युग में नई नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, नएपन के कारण पुराना अप्रासंगिक हो जाता है और धीरे धीरे वह मुख्य परिदृश्य से हट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बदलती स्थितियों के साथ परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल ले। जो मनुष्य सुख दुख आशा निराशा से अनासक्त होकर के जीवन यापन करता है वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, वही दीर्घ जीवी होता है। ऐसे व्यक्ति ही प्रगति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके, है ना, आगे इसका कहता है, इसके तीन खंड बनाए हैं। लेखक कहता है कि काल रूपी अग्नि और प्राण रूपी धारा का संग्रह सदा चलता रहता है। मूर्ख व्यक्ति तो समझते हैं कि जहां टिके हैं वहीं टिके रहें तो मृत्यु से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं होता है। यदि स्थान परिवर्तन करते रहें अर्थात जीने के ढंग को बदलते रहें ना, तो जीना आसान हो जाता है। जीवन को एक ही ढर्रे पर चलाओगे तो समझो अपना जीवन नीरस हो गया, और नीरस का अर्थ होता है मर जाना, अर्थात यानी गतिशीलता जरूरी है। आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं, ये जो मात्राएं नहीं लगी हुई भाई, मैं बोल रहा हूँ सही, उच्चारण सही कर रहा हूँ, देख लेना। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख से बच पाएंगे, भला वे हिलते डुलते रहें, स्थान बदलते रहें, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हैं। जमे की मरे, जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह क्या कवि है? कवि की मात्रा छोटी आएगी भाई। मैं कहता हूं कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली की का वह इशारा है। तो देखिए, पहला जो है ये, इसका आशय स्पष्ट करना, ये यहाँ दे दिया गया था, पहले का यहाँ से लिख लेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा लग गया था आंसर इसका, तो इसको लिख लें। और इसका जो नंबर दो का जो है वो यहाँ आ गया। लेखक का मानना है कि कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना जरूरी है। जिस कवि में निरपेक्ष और अनासक्ति भाव नहीं होते वह श्रेष्ठ कवि नहीं बन सकता, और जो कवि पहले से लिखी चली आ रही परंपरा कोई काव्य में अपनाता है वह कवि नहीं है। कबीर फक्कड़ थे इसलिए कालजयी कवि बन पाए, अतः कवि बनना तो फक्कड़पन को ग्रहण करना होगा। अगले का आशय है, लेखक के कहने का आशय है कि अंतिम परिणाम का अर्थ समाप्त होना नहीं है। जो यह समझता है कि वह निराबुद्धु है, फल हो या पेड़, वह यह बताते हैं कि संघर्ष की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इस प्रक्रिया से गुजरकर सफलता रूपी परिणाम मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सीरीज के पुष्प को शीत पुष्प कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की, ये मकनी में माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? तो लेखक ने सीरिस के पुष्प को शीत पुष्प कहा है। ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी होती है, इसके बावजूद सीरिस के पुष्प खिले रहते हैं। गर्मी की मार झेल करके
भी ये पुष्प ठंडे बने रहते हैं। गर्मी के मौसम में खिले ये पुष्प दर्शक को ठंडक का एहसास कराते हैं। ये गर्मी में भी गतिशीलता प्रदान करते हैं। इस विशेषता के कारण इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी की के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं? गांधी जी सदैव अहिंसावादी रहे हैं। दया, धर्म, करुणा, परोपकार, सहिष्णुता आदि भाव उनके व्यक्तित्व की कोमलता को प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन भर अहिंसा का संदेश देते रहे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में कठोर भाव भी थे। कहने का आशय है कि वे सच्चाई के प्रबल समर्थक थे और जो कोई व्यक्ति उनके सामने झूठ बोलने का प्रयास करता तो विरोध करते थे। वे उस पर क्रोध करते तब वे झूठे व्यक्ति को भला बुरा भी कहते थे, चाहे वह व्यक्ति कितने ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो। उनके लिए सत्य का एक ही मापदंड था, दूसरा नहीं। इसी कारण कोमल और कठोर दोनों भाव उनके व्यक्तित्व की विशेषता बन पाए हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास ने शिरीष के फूल की कोमलता, द्विवेदी जी ने उनकी कठोरता के विषय में कहा है, शिरीष के फूल के आधार पर बताइए। कालिदास और संस्कृत साहित्य ने शिरीष को बहुत कोमल माना है। कालिदास का कथन है कि पदम सहित भ्रमराय से पलवे पल्वम शिरीष पुष्पम ने पुनः पद त्रिणाम है। शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये द्विवेदी लिख रखे ना, गलत लिख रखे भाई, सही लिख लेना, ये पिछले ये देख के सहमत नहीं है। उनका विचार है कि इसे कोमल मानना भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर के धकिया कर उन्हें बाहर नहीं धकेलते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन पर जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है तब भी शिरीष के पुराने फल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष के अवधूत के कारण लेखक को किस महात्मा की याद आती है और क्यों? शिरीष के अवधूत के कारण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हमारे यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद करते हैं, यानी याद आती है। शिरीष तरु अवधूत है, सन्यासी है, क्योंकि वह बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू सब में शांत बना रहता है, पुष्पित पल्वित होता रहता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी की मार काट अग्निदाह लूटपाट खून खराबे के बवंडर के बीच स्थिर रह सके थे। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है। उनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया है कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज है, आत्मा की शक्ति है। जैसे शिरीष वायुमंडल से रस ले खींच करके इतना कोमल इतना कठोर हो सकता है, वैसे ही महात्मा गांधी भी कठोर कोमल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वह वृक्ष और वह मनुष्य दोनों ही अवधूत हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष की तीन ऐसी विशेषताएं लिखिए या उनका उल्लेख कीजिए जिसके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे कालजयी अवधूत कहा है। तो भाई निम्नलिखित विशेषताओं के कारण कहा है, देखिए तीन विशेषताएं। पहली है, वह सन्यासी की तरह कठोर मौसम में जिंदा रहता है, वह भीषण गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है तथा अपनी सरसता बनाए रखता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेकता है, वह सन्यासी की तरह हर स्थिति में स्थिर और मस्त रहता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सीरीज के माध्यम से किस द्वंद्व को व्यक्त किया है? तो लेखक ने भाई सीरीज के पुराने फलों के कि अधिकार लिपसू खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में साहित्य व समाज राजनीति में पुरानी व नई पीढ़ी में के द्वंद्व को बताया है। वह स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी व हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। अगला प्रश्न है, कालिदास कृत शकुंतला के सौंदर्य वर्णन को महत्व देकर के लेखक सौंदर्य को स्त्री कहे के एक मूल्य के रूप में स्थापित करता प्रतीत होता है, क्या सत्य है? यदि हाँ तो ऐसा करना उचित है? लेखक ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक स्त्री के लिए आवश्यक तत्व स्वीकार किया है। प्रकृति ने स्त्री को कोमल भावनाओं से युक्त बनाया है, स्त्री को उसके सौंदर्य से भी अधिक जाना गया है न कि शक्ति से। यह तथ्य आज भी उतना ही सत्य है। स्त्रियों का अलंकार व वस्त्रों से के प्रति आकर्षण भी यह सिद्ध करता है, यह उचित भी है, क्योंकि स्त्री प्रकृति की सुकोमल रचना है, अतः उसके साथ छेड़छाड़ करना अनुचित है।
ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, बिंदी आएगी भाई ऊपर, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि दुमदार अर्थात सजीला पक्षी, कुछ दिनों के लिए सुंदर नृत्य करता है, फिर दुम गवा करके कुरूप हो जाता है। यहां लेखक मोर के बारे में कह रहा है, बताता है कि सौंदर्य क्षणिक नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो पूंछ कटा पक्षी ही ठीक है, उसे कुरूप होने की दुर्गति तो नहीं झेलनी पड़ती। अगला प्रश्न है, विज्जिका ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास के अतिरिक्त किसी को कवि क्यों नहीं माना? कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका ने केवल तीन ही को कवि माना है, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। ब्रह्मा ने वेदों की रचना की जिसमें ज्ञान की अथाराशि है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो भारतीय संस्कृति के मानदंडों को बताता है, व्यास ने महाभारत की रचना की जो अपनी विशाल एवं विषय व्यापकता के कारण विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में से एक है। भारत के अधिकतर साहित्यकार इनसे प्रेरणा लेते हैं और अन्य साहित्यकारों की रचनाएं प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित नहीं हो पाई हैं, अतः उसने किसी और को कवि नहीं माना है। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखे इस पाठ के प्रश्न। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और साथ में लगा घंटे वाला बटन भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ लगातार, मैं आपका सिलेबस है स्कूल क्लासेस की भांति इसी तरह से करवाता रहूँगा, समय रहते आपका पूरा सिलेबस मैं करवा दूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।